वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के बारे में, उसे बेसन की रोटी या मिस्सी रोटी भी कहते हैं, साथ में चटनी भी बनाएंगे। तो गाइज, बेसिकली बात यह है कि हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी एंड चटनी। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, वो भी मम्मी के साथ। सो गाइस, तो जानते हैं रेसिपी क्या है, वो भी मम्मी से। हाँ तो गाइस, हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी, जिसे कहते हैं मिस्सी रोटी और चटनी, दोनों चीज़ कहते हैं, बेसन की रोटी भी और मिस्सी रोटी भी। देखिए, हमने गाइस ले लिया है ये बेसन, आपका ये जितना बेसन होगा उतनी ही आप इसमें आटा मिलाइए। ये देखिए, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं बेसन। ये हमने बेसन ले लिया है और जितना आपका बेसन होगा उतने ही आपका इसमें आटा ऐड होगा। ये देखिए, उतने ही आटा है, उतने ही हमने आटा ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया गाइस। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये चार हरे मिर्चें हैं, चार हरी मिर्च डाल दी। आपको जैसा तीखा चटपटा खाना हो आप उस तरह डालिए। और ये हमने डाल दी थोड़ी चौकी हुई हरी धनिया, जैसे आपको खानी हो वैसे डालिए, जितना आपको पसंद हो। और हमने इसमें डाली है एक मीडियम साइज की प्याज। और इसमें हम ऐड करेंगे अब नमक, एक नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको हम अच्छी तरह गाइस मिला लेंगे, मिलाने के बाद इसको गूंद लेंगे। आप जैसे आटा गूंदा जाता है उसी की तरह गूंदेगा, पतला मत करिएगा, नहीं आपको पकाने में दिक्कत होगी। इसे उसी की तरह गूंदेगा। ये हमारा बेसन की रोटी का, मिस्सी रोटी का ये डो तैयार हो गया है। इसको आप गाइस टाइट ही रखिएगा, इसको आप मुलायम ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो पकाने में ही चिपकेगा, बेलने में, रोटी बेलने में दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए, बस इससे ज़्यादा मुलायम ना हो इतना ठीक है। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। बस देखिए, ये हमारा एक लहसुन है, चटनी की तरफ ये हमारा एक लहसुन है, एक हमारी प्याज है, ये लाल मिर्च है, ये देखिए, इसको लाल मिर्च ले लेंगे हमारी, ये हमने ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, ये हमारी कुटी हुई रखी हुई है वही डाल देंगे हम। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, ये देखिए, दो चम्मच, क्योंकि ये कड़वी नहीं होती है, इसमें फ्लेवर और कलर अच्छा आता है चटनी का बस। और इसमें हम कर देंगे एक चम्मच, आप मिर्च और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। उसके बाद इसको हम मिक्सी में चलते हैं पीसने। हाँ तो गाइस देखिए, अब हमने इसको सब वाश कर लिया, बढ़िया सा धो लिया है, लहसुन भी मिर्च भी और प्याज भी। अब हम इसको डालेंगे मिक्सी में। ये देखिए सर, हमने इसको अलग अलग करके साफ कर लिया। अब इसको हमने डाला मिक्सी में, और ये रही हमारी नमक, ये रहा हमारा नमक और कश्मीरी मिर्च। अब हम इसको चलते हैं मिक्सी में पीसने। और गाइस, लहसुन को छीलना नहीं है, ऐसे ही डालना है छिलके समेत। और मिक्सी में सही, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है चटनी के लिए। आप बहुत बारीक कर लोगे तो चटनी में वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ढक्कर लगा के चलते हैं मिक्सी की तरफ। तो देखिए गाइस, हमने थोड़ा सा हल्की सी मिक्सी चला के उसको उतार लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, देखिए, क्योंकि बगैर पानी के तो ये पिसेगी नहीं। चलिए स्टार्ट। हाँ तो गाइस देखिए, ये हमारी दरदरी चटनी पिस के तैयार हो गई मिक्सी में। अब हम इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। अब उसके बाद इसमें हम लगाएंगे तड़का। हाँ, तब हम इसमें लगाने जा रहे हैं तड़का। देखिए, तड़का लगाइएगा आप सरसों के तेल का, और किसी का नहीं। ये सरसों के तेल में ही स्वाद देती है चटनी, थोड़ा अच्छी तरह से डालिएगा। डाला इसमें 50 ग्राम तेल सरसों का। अब हाँ, तो हम गैस इसमें डालने जा रहे हैं, देखिए, मेथी के दाने थोड़े से ऐड करेंगे, थोड़ा सा ये हल्का सा हो जाएगा, उसमें हम बाद डालेंगे थोड़ी सी राई। ये देखिए, थोड़ी सी राई है,
हम इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी राई। कर दे हाँ, तो गाइस देखिए हम इसमें सब चटनी डाल देंगे। तो अभी हम 5 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे। बस 5 मिनट पक जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया अभी लग रही है, तैयार होने के बाद और भी बढ़िया लगेगी। आप ऐसी चटनी बनाइए, मिस्सी रोटी के साथ खाइए, फिर देखिए कितना बढ़िया स्वाद आता है। हाँ तो गाइस देखिए हमने इतने बड़े पेड़े ले लिए हैं, अब इसको हम बेलने जा रहे हैं। हम तेल से इसको बेलेंगे, हल्का सा इसमें तेल लगा लेंगे। ये देखिए हल्का सा ऐसे दोनों तरफ तेल का। ये देखिए अब इसको हम बेल देंगे। इसको आटे से नहीं करना है, खुश्की से इसको सिर्फ तेल से ही बेलना है। देखिए हमारी रोटी बिल के तैयार हो गई है। अब हम इसको चलते लेके ये देखिए हमारी रोटी डल गई तवे पे और ये हमारी चपक रही है। देखिए ये हमारी चटनी इधर तैयार हो रही है। जब तक ये हमारी रोटी बनेगी, इधर ये मेरी चटनी तैयार हो गई, गर्मा गर्म परोसिए और खाइए। अब हम इसको गाइस पलट देते हैं। ये देखिए हाँ, तो देखिए हमने इसमें हल्का सा तेल ब्रश से कर दिया है और दूसरी तरफ भी ऐसे कर देंगे हल्का हल्का। और इसको थोड़ा मीडियम आंच में करिएगा, ना बहुत तेज और ना बहुत मीडियम। इसका अच्छे इसका कलर आया है। ये देखिए गाइस इसको थोड़ा सा आप ऐसे दबा दीजिएगा। इसे कहते हैं मिस्सी रोटी, मिस्सी पराठा बेसन का। इसे आप पराठा भी बोल सकते हैं बेसन का, और मिस्सी रोटी भी बोल सकते हैं। वाह देखिए कितना बढ़िया गाइस कलर आया है इसका, कितना बढ़िया इसका वो आया। इसका टेस्ट आप खा के देखिएगा। इसे बेसन का पराठा भी कहते हैं और इसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं और बेसन की रोटी भी कहते हैं। इसे तीनों चीज़ कहते हैं। आप जो भी आपका दिल करे वैसे आप बना सकते हैं। इसे आप तेल के साथ भी बना सकते हैं, बिना तेल के खाना चाहें तो भी इसको बिना तेल के भी आप बना सकते हैं। वन देखिए ये रेडी हो गई। अब हम इसको रख लेते हैं। अब हम डालते हैं दूसरी रोटी। ये देखिए गाइस हमने डाल दी। अब हमारी देखिए धीरे धीरे चटनी भी तैयार होने वाली। एक रोटी तैयार हो गई है, दूसरी रोटी तैयार होने वाली है। आप किसी को भी खिलाएंगे, एक तरफ चटनी एक तरफ रोटी बनाइए, गरम गरम परोसिए, देखिए खा के कितना मज़ा आ जाएगा और उसका मन खुश हो जाएगा। हाँ तो गाइस देखिए ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। अभी सर्व करने के लिए मैंने इसमें निकाल लिया। ये देखिए ये हमारी चटनी रेडी हो गई, ठीक से देख लीजिए। ये देखिए हमारी रेडी हो गई, हमने इसमें। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारी मिस्सी रोटी यानी कि बेसन की रोटी चटनी रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और गाइज इसको पराठा भी कहते हैं, वो भी बेसन का। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।